अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्सबान खान और आप देख रहे हैं अब्दुस्सबान यूट्यूब चैनल। दोस्तों वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों मैं यहां पर आज की इस वीडियो में आप लोगों को सेंट्रल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में नई जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों अगर आप भी सेंट्रल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और आपने मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को लाजमी दबा दें। दोस्तों इसका फायदा यह होगा कि मैं इस तरह की जॉब्स के बारे में कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे और आप मेरी वीडियो से सबसे पहले फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सेंट्रल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक फार्म है, मैं यहाँ पर आपको इसकी कोई डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो पहले नंबर पर ये जो असामी ये UGC कैशियर ड्यूटी की असामी, इसमें असामी की कुल तादाद एक है और उसमें तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इसमें मेरिट की बेस पर सिलेक्शन होगी और उसमें उम्र क्या 18 से 30 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये दूसरे नंबर पर ये जो असामी ये है UDC, इसमें असामी की कुल तादाद 4 है और उसके अलावा यहाँ पर इसमें तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उसके अलावा यहाँ पर इसमें मेरिट की बेस पर एक असामी और पंजाब में 3 असामी और इसमें उम्र के हिसाब भी 18 से 30 साल होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर पर ये जो असामी ये LDC के असामी, इसमें टोटल 4 असामी और उसमें तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए और उसके अलावा यहाँ पर मेरिट की बेस पर एक असामी और पंजाब में 3 असामी और उसमें उम्र की हद 18 से 30 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ चौथे नंबर पर हमारे पास ये जो असामी ये स्टोरमैन की, इसमें टोटल 4 असामी और उसमें तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए और उसके अलावा यहाँ पर पंजाब में 2 और सिंध रूरल में 1 असामी है। और उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये जो पाँचवें नंबर पर ये जो असामी ये हॉस्टल कंप्यूटर की, इसके लिए यहाँ पर इसमें 2 असामी और उसमें तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर छठे नंबर पर ये जो असामी है सिविलियन मैकेनिकल ड्राइवर की, इसमें टोटल 2 असामी और उसके अलावा इसमें तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए और उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस लाजिम होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर सातवें नंबर पर ये जो असामी है कारपेंटर की, इसमें टोटल 2 असामी और उसके बाद यहाँ पर इसमें तालीमी काबिलियत मिडल और काम में महारत रखता हो और ये असामी पंजाब में है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ आठवें नंबर पर ये जो असामी है फायरमैन की, इसके लिए टोटल 3 असामी है और उसके बाद खानदा काम में महारत रखता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर नौवें नंबर पर ये जो असामी ये है USM की, इसमें टोटल 18 असामी है और खानदा काम में महारत रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर 10वें नंबर पर ये जो असामी है ये मिसालची की, इसमें के लिए टोटल 1 असामी है और इसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर पर खाकरोग की असामी, इसके लिए टोटल 1 असामी है। दोस्तों अगर आप इन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीरियल 1-7 नंबर की भर्ती 26 जनवरी 2019 को होगी, इसकी लास्ट तारीख 26 जनवरी है। और इसके अलावा यहाँ पर सीरियल 8-11 की भर्ती 27 जनवरी 2019 को होगी, इसकी लास्ट तारीख 27 जनवरी 2019 है। दोस्तों अगर आप इन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर इजीली इस फॉर्म को रीड कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म में आपको इसकी सारी डिटेल, उसके लिए यहां पर इसका अप्लाई करने का तरीका मिल जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।